तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो चलिए जल्दी से सभी लाइव आ जाइए। आज आप लोगों का टेस्ट होगा, मैथ का टेस्ट। देखते हैं किसका कितना सही होगा। चलिए जल्दी से सभी आ जाइए लाइव। चलिए फटाफट कीजिए। तेजी में सभी आ जाइए, टाइम आप लोग का हो चुका है। चलिए तब तक हम प्रश्न को लिखते हैं। चलिए तेजी में करेंगे सभी, तेजी में। बिट्टू कुमार गुड आफ्टरनून, मंजे जी गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज आप लोग का टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, ठीक है ना। चलिए प्रश्न, तो चलिए पहला प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए में है रूट सेवन, बी में है रूट टू बटे रूट फाइव, और ऑप्शन सी में है रूट थ्री बटे रूट सेवन, और ऑप्शन डी में आपका है रूट 75 बटे रूट 48, ठीक है। तो इसे सॉल्व कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। अगला सवाल है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एच सी एफ क्या होगा। चलिए आपका ऑप्शन ए में है एक, बी में है दो, और ऑप्शन सी में है आपका तीन, ऑप्शन डी में आपका है पांच। गणेश जी ए। तो चलिए सभी फटाफट अगला प्रश्न भी लिखते हैं। आप सभी इसे जो है ना हल करके रखेंगे, ठीक है ना, जब हम जैसे ही पूछेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर एक का आंसर ए आ चुका है। चलिए थोड़ा सही से हल कीजिए, ठीक है ना, तब बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन हम लिख रहे हैं, रूट सेवन एक डैश संख्या है। चलिए ऑप्शन ए में है परिमेय, बी है अपरिमेय, सी में है पूर्णांक, और डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए सभी। क्वेश्चन नंबर एक का पहले आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न क्या है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब कौन परिमेय पूछ रहा है यह, ठीक है ना। कौन अपरिमेय नहीं है इसका मतलब यह हुआ कौन परिमेय है। तो चलिए इसका क्या होगा, देखिए हमारा ये तो अपरिमेय है, प्रश्न कहता है कौन अपरिमेय नहीं है, ये भी तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये अपरिमेय, लेकिन आपका जो है ना यह अपरिमेय नहीं है। जो संज्ञा रूट से बाहर निकल जाती है ना वो अपरिमेय नहीं होती है। कैसे, चलिए इसको देखते हैं। जब इसको हल करेंगे तो देखिए ध्यान से,
इसको हम एक रूट के अंदर में दोनों को लिख सकते हैं, दोनों रूट में है ना, तो रूट 75 बटे रूट 48 लिख सकते हैं। 7 5 12, 8 4 12, 3 से कट रहा है, 3 कम 3, 3 6 18, अब 25 3 75, तो कितना हो गया रूट 25 बटे कितना हो गया 16, इससे को 5 बाहर, इससे 4 गया बाहर, रूट से बाहर हो गया, तो यह हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। एक का डी बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने एक का डी दिए हैं उनका बिल्कुल सही परफेक्ट आंसर है। चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर दो, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, दो क्रमिक सम संख्या, तो जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर दो का, फटाफट कीजिए, दिखाई दे रहा है ना सभी को, तो तेजी में फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर दो का, दो का आंसर क्या होगा, ए में है एक, चलिए दो का आंसर आ चुका है, अजीत जी का ए आ गया, बिट्टू कुमार का दो का बी, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो प्रश्न है कि दो क्रमिक सम संख्या, देखिए सम संख्या हमारा ये होती है 2 4 6 8, इस तरह सम संख्या, दो क्रमिक, क्रमिक का मतलब हुआ लगातार, ई दोनों को ले सकते हैं या ई दोनों को ले सकते हैं या ई दोनों को ले सकते हैं। चलिए हमने इसको लिया 2 4, इसका निकालेंगे मौसम यानी कि एच सी एफ, तो 2 भागा कर देंगे 4 2 2 4, तो कट गया, तो हमारा एस सी एफ आता है, तो एस सी एफ कितना आ गया 2, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, ठीक है। दो का आंसर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, जिन लोगों ने दिए हैं दो का बी बिल्कुल सही है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, 3 का क्या होगा, 3 में है रूट 7 एक डैश संख्या है, रूट 7 कौन सी संख्या है, रूट 7 डैश संख्या है, बताइए कि रूट 7 कौन सा संख्या है, ए में है परी में, बी में है अपरी में, सी में है पूर्णांक, डी में है इनमें से कोई नहीं। 3 का बी, बिट्टू कुमार का, और किसी का आंसर, तेजी में करेंगे। राजेश जी 3 का बी, और किसी का, चलिए 3 का बी बिल्कुल सही आंसर है, रूट 7 हमारा कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए ध्यान से देखिएगा, प्रश्न है दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौस है, यानी कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौस क्या है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए में दिया गया है 1, बी में दिया गया 2, और ऑप्शन सी में है 3, और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी इसको सॉल्व करके रखेगा, ठीक है ना, आंसर इसका क्या होगा, फटाफट जवाब मिलेगा, मिलना चाहिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लिख रहे हैं, रूट 3 बटे रूट 12 एक डैश संख्या है, चलिए 4 का बी, 4 का बी, राजेश जी का भी 4 का बी, अच्छा चलिए देख लेंगे बाद में, पहले 5 का ऑप्शन लिख लेते हैं, परी में हो गया आपका, और बी में है अपरी में, सी में है पूर्णांक, और डी में है इनमें से कोई नहीं, नन। तो चलिए 5 का भी जवाब दीजिए तेजी में,
चलिए चार का आंसर जो होगा, प्रश्न है दो या दो से अधिक आवासीयों का आवास संख्याओं का मौसम क्या होता है। दो या दो से अधिक आवास संख्या होता है ना, उसका मौसम क्या होता है, एक होता है। देखिए ध्यान से, आवासीय क्या होती है, वह संख्या जो एक और शून्य से कटे, जैसे कि दो आवास संख्या है, तीन आवास संख्या हो गया, पाँच सात इस तरह से, दो लें या दो से अधिक आवास संख्या लें। चलिए हम दो ही लेते हैं और भाग लगाते हैं और इसका मौसम निकालते हैं, एक बार में दो, एक दो बार में, तो कितना गया मौसम, मौसम आ गया कितना, मौसम आ गया एक। तो आप चाहे दो लें या दो से अधिक आवास संख्या लें, उसका मौसम फिक्स है कितना आएगा, एक ही आएगा। इसलिए इसका जो है ना चार का आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए जल्दी से पांच का जवाब दीजिए, हल करके, ठीक है ना, आराम से, कोई हड़बर नहीं है। रूट तीन बटे रूट बारह है, बताइए वह कौन सा संख्या है, परिमेय है का परिमेय है कि पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए तेजी में कीजिए, आज गुड़िया को मैंने नहीं आई इतना, नहीं तो इतना फास्ट आंसर आता करने की बात नहीं। चलिए पांच का ए आ गया, गणेश कुमार का यानी अजीत कुमार, और किसी का बहुत ही फास्ट आंसर आ चुका है गणेश कुमार का, और किसी का नहीं बड़ी नहीं। तो चलिए ध्यान से देखिए, रूट तीन बटे रूट बारह, ठीक है, रूट तीन बटे है रूट बारह, इसको जो है ना हम एक बट्टे के अंदर भी लिख सकते हैं, तीन बट्टे बारह, तीन कम तीन, तीन चौके बारह, तो आपका आ गया एक बट्टे चार। तो इसको लिख सकते हैं एक गुना एक तो एक ही रहेगा ना, और दो गुना दो कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, ऊपर से एक निकल गया नीचे से दो निकल गया, तो एक बट्टे दो कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, चार का सी नहीं होगा। तो हमारा इसको हल करने पर कितना गया, एक बट्टे दो, जो कि जो यह कि जो क्या परिमेय संख्या है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जिन लोगों ने ऑप्शन ए मारे हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए आप क्वेश्चन छह थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना, चलिए प्रश्न है थोड़ा लंबा है, थोड़ा ध्यान देखिएगा कि वृत्ताकार पथ पर तीन धावक एक ही स्थान से, दिखा दे रहा है ना, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः तीन घंटे, चार घंटे तथा आठ घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। चलिए अब इसको जो ना हल करते रहिए, ठीक है ना, चलिए इसको आप आसानी से बनाइए, एकदम आराम आराम से, कोई बार नहीं है, इसका जो है ना ऑप्शन मिल रहा है आपको। चलिए ऑप्शन ए, ए में है छः घंटे, बी
बी में है 8 घंटे, सी में है आपका 16 घंटे और डी में है 24 घंटे। तो बताइए सभी इसका सही आंसर क्या होगा। छः का आंसर बताइए तेजी में। 6 का डी अजीत जी का चुका है। और किसी का तेजी में कीजिए। अगला है 11 बटे 25 का 10 मलाव प्रसार डैश होता है। क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है 0.11, 0.11, 0.22, सी 0.44 और डी 0.33। तो चलिए सभी बताइए। चलिए देखिए प्रश्न इसमें था वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, ठीक है ना। प्रश्न आप पढ़ लिए होंगे तो एक चक्कर लगाने में 3 घंटा समय लगता है, 4 घंटा और 8 घंटा। आप इसको हल कीजिए। चलिए 6 का आंसर आ चुका है सबका, लगभग का डी, 6 का डी आ चुका है। तो देखते हैं क्या है। तो पुनः मिलने का समय होता है दिए गए समय का एलसीएम। तो 3 है और 4 है 8, इसका निकाल लेंगे एलसीएम। तो 2 से 2 दुनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दुनी 4, तो 2 दुनी 4, 4 तिया 12, 12 दुनी 24, 24 घंटे आपका आ जाएगा आंसर। जिन लोगों ने ऑप्शन सी डी चुने हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए डी बिल्कुल सही आंसर है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब क्या होगा। तेजी में सभी 11 बटे 25 का 10 मलाव प्रसार क्या होगा? जब इसको भाग देंगे 10 मलाव प्रसार क्या आना चाहिए? चलिए फटाफट तेजी में। इतना लेट? तो चलिए देखिए 25 से भागा देंगे 11 में, 0 पॉइंट बढ़ेंगे तो होगा 0, 25 चौका हो जाएगा कितना 100, 0, 1, 10 मलाव मार चुके तो फिर 0, फिर 25 चौके 100, तो कितना आ गया 0.44। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सी होगा 25 चौके 100, 25 चौके 100, 0.44। 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा ध्यान से सभी, गलत हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। सही है सी। तो चलिए अगला प्रश्न है 17 बटे 24 का 10 मलाव प्रसार डैश होता है। ए में है 7 और बी में है आसान, सी में है आवर्ती और डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए जल्दी से इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब बताइए कि 17 बटे 24 का 10 मलाव प्रसार क्या होगा? शांत होगा या अशांत होगा या आवर्ती होगा? फटाफट आंसर देंगे, इतना लेट आंसर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल तेजी में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7 का सी बिट्टू कुमार का। संभल के, ठीक है ना, थोड़ा सोच विचार के
संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? सात का डी, सात का सी। अब आठ में आइए, आठ का जवाब चाहिए। क्वेश्चन नंबर आठ है, चलिए ऑप्शन में ए में यह 1150, ऑप्शन बी आपका है 1250 और ऑप्शन सी में है 1350 और डी में है 1450। तो चलिए, अभी तक में आठ का आंसर किसी का नहीं आया है, अभी तक नहीं। चलिए देखिए ध्यान से, अब हम बता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम हैं, बता देंगे आपको। 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा या अशांत होगा? तो शांत होगा या अशांत होगा, इसे जानने के लिए क्या करते हैं, इसका हर का गुणन खंडन करते हैं। तो हर को तोड़ेंगे तो देखिए 24 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 × 3, तो अगर हर में 2 और 5 आता है तो वह क्या होगा? शांत होगा। 8 का C, 8 का B। चलिए देखते हैं, तो अगर 2 और 5 आता तो क्या होता? शांत होता। 2 और 5 नहीं आया है तो इसलिए क्या होगा? अशांत होगा। देखते हैं कि बी कौन कौन मारे हैं। राजेश कुमार, बी बिल्कुल सही है राजेश जी, 8 का B बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9, 9 में थोड़ा ध्यान से देखिए, संख्याओं 25 और 50, संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल होगा तो क्या होगा? 8 का B बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने 8 का B दिए हैं आंसर का जवाब, उसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन का जवाब जो दिए हैं 8 का B उनका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कि संख्या 25 और 50 का HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा, ठीक है ना? तो HCF और LCM का गुणनफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुना LCM, यही होता है ना? तो क्या करेंगे, जो संख्याएं दी गई है उसको गुना कर देंगे तो हमारा HCF और LCM के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो 25 × 50, यहाँ पे HCF गुने LCM के बराबर हो जाएगा। तो 25 × 5 = 1250, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 9 का B होगा 1250। नौका बी राजेश कुमार जी आपका सही है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10, दस में है, यदि भिन्न a/b में b 2 का पावर n, 5 का पावर m के रूप में हो, तब संख्या डैश है, तब संख्या क्या है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, चलिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए में है a/3 का पावर n और 5 का पावर m। चलिए बी का ऑप्शन है आपका a/2 का पावर n और 5 का पावर m, और सी ऑप्शन है आपका a/3 का पावर n और 3 का पावर m, और डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए मंजीत जी, आपका हम जो है ना नाम बोलेंगे, ठीक है ना? आपका कमेंट हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना? आप कमेंट नहीं करते इसलिए। चलिए जवाब दीजिए मंजू जी आप। सर थोड़ा ये देखिए, यदि भिन्न a/b में
ठीक है दिखा दे रहा है ना, ठीक है बोल रहे हैं ए बटे बी में बी हमारा 2 का घात एन है और 5 का घात एम है के रूप का है तब संख्या क्या होती है। तो देखिए संख्या दिया हुआ है कि ए में ए बटे 3 का पावर एन 5 का पावर एम, ए में बी में ऑप्शन में है ए बटे 2 का पावर एन 5 का पावर एम, इस तरह से ऑप्शन देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तब तक नेक्स्ट प्रश्न में हम बढ़ते हैं। चलिए अब घुसते त्रिकोणमिति में कोस 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री बराबर किसका है। ऑप्शन ए में है आपका -1 और बी में है 1 और सी में है 0 और डी में है 3। चलिए अजीत जी का 10 का भी आ गया है, बिट्टू कुमार का 10 का भी, राजेश का भी 10 का भी, चलिए 10 का भी। तो संख्या देखिए संख्या दिया हुआ है ए बटे बी, कुछ नहीं करना है आपको, ए ऊपर थे ही है और बी का मान तो दिया होगा, खाली इसको लिख देना है 2 का पावर एन और 5 का पावर एम। तो बताइए कौन ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है जिन लोगों ने ऑप्शन बी चुने हैं बिल्कुल उनका सही है। अब चलिए बताइए कोस 59 बटे साइन 31 का मान किसका बराबर होगा, कितना होगा। ए में है -1, बी में है 1, सी में है 0 और डी में है 3। तो बताइए मंजीत जी तेजी में किसका सही आंसर क्या होगा। 10 का बी बहुत ही फास्ट आंसर आ चुका है, राजेश कुमार का यानी कि रोशन कुमार ना है। और किसी का जवाब मिलेगा भाई, कॉपी लेके बैठी है ठीक है ना, धराधर बनाना है। 11 का बी, चलिए जिन लोगों का 11 का बी है उनका बिल्कुल सही है। कैसे होगा भाई देखिए ध्यान से, कोस 59 बटे साइन कितना है 31 डिग्री है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया था, इनमें से किसी को चेंज करना है क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 यानी पूरा कर्ण पूर्ण चाहिए है ना। तो देखिए कोस 90 में अगर हम घटा दें 31 तो बचेगा कितना 59, नीचे में हमारा साइन कितना 31। चलिए कोस का हो जाएगा हमारा साइन और थीटा का जो हम कितना आ जाएगा 31, नीचे है हमारा साइन 31, तो यहाँ से ख़त्म हो गया कितना हुआ 1, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल सही है सबका सही आंसर। चलिए 11 हो गया। चलिए अब थोड़ा इधर ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 पे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 12/15 फिर 12/13 तो कोस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है चलिए ऑप्शन ए आपका ये रहा 12/13, बी में है 5/12 और सी में है 13/5 और डी में है 5/13। तो चलिए सही से जवाब दीजिए, चलिए मज़ा आ रहा ही है ना, चलिए सबको मज़ा आएगा। तो थोड़ा तेज़ी में जो है ना जवाब दीजिए इसका, ठीक है ना। 12 का ए 12/13, थोड़ा ध्यान से साइन थीटा का मान है 12/13 तो कोस का मान क्या होगा। मंजू जी फटा से बताइए ए, चलिए देखते हैं क्या है। चलिए एक बार आप इसको सोच के बताइए फिर से, अगला सवाल हम लिख रहे हैं ठीक है ना। अगला है कोस 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री का मान डैश होगा, यह सब प्रश्न पूछा हुआ है ठीक है ना, जो आप हम टेस्ट ले रहे हैं ना यह प्रश्न लगभग पूछा हुआ है।
चलिए, बी में है -1 और सी में है 0 और डी में है 3। 12 का ए, मंजू जी का जवाब आ गया, 12 का सी अजीत कुमार। तो चलिए देखते हैं क्या सही इसका आंसर होगा। चलिए साइन का मान देखिए, साइन का मान दिया हुआ है, निकालना कोस का मान। तो देखिए ध्यान से, शॉर्टकट है कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 - √ होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो 1 - sin का मान कितना है, देखिए 12/13 है, ऐसा कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे है हमारा 1, 12 का वर्ग करेंगे तो 144, इसका वर्ग करेंगे तो 169, एलसीएम निकालेंगे तो 69 होगा, यहाँ पे 69 - 144। तो चलिए ध्यान से क्या हो जाएगा, ऊपर में घटेगा तो होगा 5, यहाँ हो गया 2, रूट है नीचे 169 है, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 13। तो 5/13 दिए किस में है, अगर समझ में, 5/13 आ गया 12 का, ठीक है ना, यह क्वेश्चन नंबर 12 का हल है, 5/13 आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए जवाब क्या होगा सही। तो दिया गया है कोस 17° माइनस साइन 73°, इनमें से दोनों में से किसी जगह को चेंज करना है, तो चलिए चेंज करते हैं, कोस 90 में घटा दे हम 73 तो कितना बचेगा, 17 बचेगा, इधर माइनस है हमारा कितना साइन 73। तो देखिए ध्यान से देखिए, कोस जो है ना हमारा साइन में बदल जाता है और थीटा का जगह हम ये वाला हो जाएगा 73, माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन 73। तो चलिए साइन 73 में गया, साइन 73 क्या बचा 0। तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, देखते किन लोगों ने सी दिया आंसर 13 का, अभी तक 13 का जवाब नहीं आया है। मंजू जी जवाब दीजिए क्या क्या जवाब होगा 13 का। चलिए हम बना ही दिए हैं, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14। तेरा का सी, चलिए ठीक है। चलिए अगला सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और अच्छा सवाल है कि यदि साइन थीटा बराबर हमारा है कोस थीटा, तो थीटा का मान डैश होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में है 40°, बी में है 50° और सी में है 45° और डी में है 60°। तो चलिए जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा, देखते हैं कितना तैयारी आप लोग का है। चलिए तेजी में, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लिख रहे हैं। 15 है साइन 70° बराबर कोस डैश, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में है 20°, बी में है 30° और सी में है 40° और डी में है 50°। तो चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 मिलेगा जवाब किसी से, यस या नो, सब परेशान हो गया ना। तो तेजी में जवाब दीजिए, तेजी में दिखाते रहे ना सभी को। चलिए नहीं बनेगा, यस या नो, चलिए इसे हम हल करते हैं, ठीक। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या होगा, देखिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा, यानी कि साइन का मान और कोस का मान कब होता है बराबर, कब होता है बराबर, जब मान जो है ना साइन 45 और कोस 45 का मान क्या होता है बराबर होता है, ठीक है ना। यानी कि साइन
प्रश्न में है कि साइन थीटा और कोस थीटा कब होता है बराबर, जब थीटा का मान क्या हो 45-45 हो, तभी यह दोनों क्या होता है आपस में, साइन और कोस का मान जो है ना साइन 45 पे क्या होता है बराबर होता है, साइन कोस जो है ना 45 डिग्री पे क्या होता है बराबर होता है, इसलिए आपका जो है ना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब जाके मान सारणी में भी देख सकते हैं किताब में। तो चलिए यहाँ जो है सवाल 15 में साइन 70 डिग्री बराबर कोस, तो साइन 70 जो है वह कोस 20 डिग्री के बराबर होता है, क्या होगा 20 डिग्री, 14 का सी सही है, यहाँ पे हो जाएगा ए 15 का। कृष्णा जी इतना लेट से, चलिए और कम से कम 5 सवाल देख लेते हैं, तब उसके बाद जो है ना हम लोग 4 बजे से जो है ना फेसबुक पर आएंगे मैथ लेकर, ठीक है ना, वहाँ भी टेस्ट नहीं है आपका, तो इसलिए वहाँ पे भूलिएगा नहीं, जरूर आइएगा सभी फेसबुक ग्रुप पर, ठीक है ना, मास्टर टेस्ट बहुत ही मजे से होता है। चलिए अगला सवाल है हमारा 1+, चलिए किसका आंसर फास्ट आएगा थोड़ा तेजी में, 1+10² थीटा का मान है, चलिए ए में है आपका sec² थीटा और बी में है cosec² थीटा और सी में है tan² थीटा और डी में है cot² थीटा। अगला प्रश्न है प्रश्न का 17 में है 1/√2 किसका मान है, 1/√2 किसका मान है, ठीक है ना। चलिए हाय कृष्णा जी आपको भी, तो ए में है sin π/3 और बी में है sec cot π/3 और सी में जो है आपका tan π/6 और डी में जो है वह है cos π/6। तो चलिए इसका जवाब दीजिए, कौन सा बुक है, देखिए बुक नहीं है आपका जो है क्वेश्चन सिलेक्ट क्या हुआ है, ठीक है ना, यह जो आपका बीबीडी का क्वेश्चन है, तो चलिए तेजी में इसका जवाब दीजिए, ठीक है ना, 16 का डी आंसर आ चुका है। तो देखिए 1+10² था, ध्यान से देखिए 1+10² का यह फॉर्मूला है, 1+10² जो होता है आपका क्या होता है sec² होता है, क्या होता है 1+10² बराबर होता है sec², राइट, और 1/√2 किसका मान है, तो चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइन, यहाँ 180 होता है, 180 को भागा 3 से तो 3 6 18 60, साइन 60 का मान होता है √3/2 जो कि यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। चलिए देखिए ध्यान से इसको जांच कर लेते हैं क्योंकि इसमें चांस बनता है, टेन यहाँ पे 180 होता है ना, 180 देंगे भागा तो 6 3 18 30 और 10 30 का मान होता है हमारे पास 1/√3, क्या इतना है, नहीं है। चलिए इसको जांच कर लेते हैं, कोस यहाँ भी 180 तो 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा इसका, हो जाएगा कोस 30 जो है √3/2 होता है, ठीक है, ये भी नहीं हुआ। अब इसको देख लेते हैं, यह गुना में है तो आ जाएगा भाग में, तो हो जाएगा कोट 180/3 6 18 18 = 18 जो कि यह भी नहीं होगा, यानी कि लगता है ऑप्शन इसका गलत है। एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं सवाल कितना नंबर का था, वन बाय रूट टू नहीं होगा यहाँ पे, 1/√3 है, ठीक है ना, 1/√3 है, नहीं नहीं 1/√3 है, तो देखिए किसमें आया, इसमें तो आया ही नहीं, 1/√3 ऑप्शन नंबर आपका सी में है, थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे जो है ना ऑप्शन थोड़ा हम क्वेश्चन गलत लिख देते हैं, 1/√2 नहीं था, 1/√3 था, ठीक है। तो चलिए और 2-3 प्रश्न को देखना है तेजी में, 17 हो गया, अब प्रश्न
18। चलिए थोड़ा अगला चैप्टर से पूछते हैं सवाल। चलिए सवाल है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में है -3, 0, बी में है 0, 0 और सी में है y0 और डी में है x0। तो चलिए सही जवाब दीजिए सभी। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। अंकित जी गुड आफ्टरनून, बहुत लेट से आए हैं आप, 2-3 सवाल और देखना, ज्यादा नहीं देखना है। चलिए अगला सवाल लिया जाए। चलिए अगला सवाल है बिंदु 2-3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो ऑप्शन ए में दिया गया आपका 3 और बी में दिया गया है 2√3 और सी में दिया गया है √13 और डी में दिया गया है None of these। चलिए 18 का बी अजीत जी का बी है बी, अंकित जी का है ए 19 का। चलिए लास्ट प्रश्न है, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगा आज का हम लोग का। प्रश्न है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि बिंदु -8, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। ए में है प्रथम, बी में है द्वितीय, सी में है तृतीय और डी में है चतुर्थ यानी कि चौथा है। तो चलिए है ना, चलिए बताइए तो इसका जवाब क्या होगा, सही जवाब। चलिए मूल बिंदु का निर्देशांक होता है हमारा 0,0, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब चलिए 19 का जवाब दीजिए। तो मूल बिंदु की दूरी यानी 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होती है। देखिए मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से, √x² + y² तो ध्यान से देखिए यह एक्स या वाई यानी कि 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर तो कितना होगा, 2 4 3 3 9 9 4 कितना हो जाएगा 13। √13 किसमें है, तो √13 आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो बिल्कुल सही है सी, जिन जिन लोगों ने आंसर दिए हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट है कि बिंदु -8, 6 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में यानी किस पाद में है। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 20 का अभी तक 20 का आंसर किसी का नहीं आया है, 20 का ए अजीत कुमार का आ चुका है और किसी का, बीस का ए राजेश कुमार का आ गया है और किसी का नहीं बड़ी। तो देखिए चतुर्थांश इवला होता है, ये होता है प्लस, ये होता है प्लस, इसमें आता क्या होता है माइनस और प्लस, इसमें दोनों होता है माइनस, एक्स भी और वाई भी, इसमें प्लस और माइनस। तो देखिए किसमें है, इसको पहला कहते हैं, इसको दूसरा कहते हैं, इसको तीसरा कहते हैं, इसको चौथा चतुर्थांश कहते हैं। तो पहले माइनस यानी कि माइनस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस किसमें है, माइनस प्लस दूसरा में है, तो क्या होगा, दूसरा होगा द्वितीय चतुर्थांश।
तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अब जो है ना ठीक 4 बजे, अब 4 बजने में कुछ ही मिनट बाकी है, 10-12 मिनट बाकी है, तो जल्दी जिससे आप लोग जो है ना फेसबुक पे चले जाइएगा, वहाँ पर भी हम आ रहे हैं, ठीक है ना। 20 का ए ए नहीं होगा, 20 का बी होगा, द्वितीय चतुर्थांश होगा, ठीक है ना। तो चलिए फेसबुक ग्रुप पे आ जाइएगा। क्या अंक जी, काम में समझ में नहीं आया जी, कितना क्वेश्चन नंबर 20 या 19 या 18? ये 19 में मूल बिंदु का होता है फॉर्मूला x² + y² ठीक है ना। तो x का मान हो गया 2, y का मान हो गया 3, पहला x होता है दूसरा y होता है, तो 2 का वर्ग 3 का वर्ग कितना हो गया 4 9 13 √13 हो गया। लिंक भेज देंगे, अरे आ जाइएगा ना फेसबुक ग्रुप पे, ठीक है ना, बिहार बोर्ड पटना इंग्लिश स्टडी है 19 का। चलिए 19 का बहुत ही सिंपल है, देखिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल है, इजी है, देखिए ना दिया गया है, इसको बोलते हैं x का मान, तो x का मान यहाँ पर कितना दिया है 2, और दूसरा होता है y का मान 3, बोलता है मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी होता है √x² + y², ये फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए x का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर, y का मान 3 है 3 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 + 3 का वर्ग 9, 9 4 कितना हो गया 13, √13 हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 20 का ए नहीं होगा, 20 का बी होगा आंसर, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बस अब मिलते हैं जस्ट 10-12 सेकंड के मिनट के बाद, ठीक है ना, मिनट सेकंड नहीं मिनट, 10-12 मिनट के बाद मिलते हैं फेसबुक ग्रुप पर, फिर मैथ का ही टेस्ट लेकर, ठीक है। तब तक के लिए सभी को अलविदा।